सो हेलो स्टार्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने व्लॉग्स पे वापस आफ्टर लॉन्ग टाइम। कितना गैप लिया मैंने, इतना गैप कभी भी नहीं लिया मैंने अपने व्लॉग्स में। तो आज जैसा कि आपको पता है, मैं ऋषिकेश गई हुई थी, फिर वहाँ से मैं नानी के यहाँ चली गई क्योंकि नानी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसीलिए मैंने अपने व्लॉग शूट नहीं करे काफी दिनों से। लेकिन मैं अब वापस आ चुकी हूँ अपने घर और आपको देखने को मिलेंगे मेरे व्लॉग्स रोज। और इनसे मिलिए ये अनुकुंतल, आते ही इन्होंने मतलब मेरे को ऑर्डर देना शुरू कर दिया है कि मैंगो शेक बनाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। मैंगो शेक बस इतना मिक्सी में बस कुछ करना ही तो है, वो जो भी करते हैं मैंने काट के मैंने दिए गाइस, बना देती पर मूड नहीं है गाइस, तो इनसे बनवा रही हूं। गाइस ओके स्टार्स, ओके इनका अलग यार खुशबू ऐसी से मेरे को आदत लग गई है, मैं बोलने भी वाली थी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, गाइस ये हमारा देवर है, इतना गाइस बोलती है ना वो, मुझे भी आदत लग गई गाइस बोलने की। देख रही हो खुशबू सी क्या बोल रही है, कोई बात नहीं, अब हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लॉग के साथ। अलग सा ही क्यूट सा, ओ वो अब कवर अप कर रही है कवर अप कर रही है अपनी बातों को। अभी वैन के लिए मैंगो, और ये आपको आवाजें आ रही इतनी तेजी से, यहाँ पे तूफान आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो दिखाती हूँ, आपको यकीन नहीं होता मैं उड़ बाहर मत निकलना, मैं उड़ जाऊंगी, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। Isn't it called तूफान, देखना देखो जरा, आपको दिखेगा क्या, मुझे ही दिख रहा है, फिर देखो वो कैसे हिल रहे हैं, ये देखो कैसे उड़ रहे हैं, तूफान नहीं होती और तुम नहीं उड़ रहे। देखो गाइस हम कितनी शानदार जगह पे रहते हैं, चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत, नो पॉल्यूशन एंड नथिंग, सिर्फ हरियाली ही हरियाली है हमारे चारों तरफ, कोई घर नहीं है, जंगल में खुली हवा लेते हुए। देखो अभी अनु का और मेरा होने वाला योगा टाइम, एंड वी हैव स्टार्टेड टू डू योगा गाइस। मैंने तो बहुत टाइम पहले स्टार्ट कर दिया, आज कल रात में बोल रही है सुबह उठूंगी जल्दी और एक्सरसाइज करूंगी। मेरे को रात में सोने नहीं देती, जब मैं नींद ही पूरी नहीं होगी तो सुबह कैसे उठूंगी टाइम से, और कब योगा करूंगी। क्या करती हो आप, तुम ही तो नहीं सोने देती। और यार राधिका को देखो, भेल पूरी खा रही है बना के, भेल पूरी नहीं है कुछ तो है। अभी हम गैप लेते हैं, फिर इनके लिए मैंगो शेक बनाएंगे, ऑर्डर जो आया है मैम का, और बस। और हाँ आज मैंने ना अपनी फर्स्ट वोट दी, आई एम अ प्राउड वोटर टुडे, पहली बार वोट दिया मैंने, मैं बहुत एक्साइटेड थी क्या होगा क्या नहीं होगा, और कुछ भी नहीं हुआ था, बस एक सिंपली टैप करना था, इतनी सी चीज हुई थी। क्या होगा कैसी बात है, क्या होगा मतलब, मुझे लगा था कि बहुत सारी भीड़ होगी, बहुत सारे लोग हो रहे होंगे, जैसे टीवी सीरियल्स में नहीं देखते कि ऐसे ऐसे करके बहुत सारी सिक्योरिटीज होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, दो तीन लोग ही थे, हम लोग चले गए। और हमारी जिसमें हम गए थे ना उसमें तो लाइन ही नहीं थी, सबसे पहले मैं ही गई थी अंदर, और वो देखे आ गई। घुसते ही इन्होंने आफत मचानी शुरू कर दी किचन में गाइस, किचन में गाइस ने, मेरे को बहुत गुस्सा आता है मुझसे कोई ऐसे काम की बोल रहा है मैं तो थक गई, मर्जी से कुछ भी कर लूं ठीक है, लेकिन अगर उससे कोई बोलता ना ये कर दे वो कर दे, मेरे से वो चीज नहीं होती। अब तब से मम्मी भी इतनी चालाक है, स्कूल से आई है तब से मैंगो शेक बना दे, मैंगो शेक बना दे, मम्मी भी कम लाल चीनी है खाने पीने के मामले में, अभी चप्पल आई उड़ गई मुझे। मैं बता नहीं जा रही हूँ ना, रुक जाओ, अब मैं नानी के पास से आई हूँ, मम्मी के जाने की प्लानिंग हो रही है नानी के पास, देखो कोई घर में रुकता ही नहीं है। हमारी मैम साहब बैठी हुई है, मैम को देखो, मैम कुछ और चाहिए आपको, मम्मी कैसे, अच्छा वाला कैसे व्यतीत करे होंगे इन्होंने अपने 15 दिन, भगवान के लिए ये देता ये वाला ले लो, वीडियो बनाने पे ध्यान आपके लिए लेके आई हूं, इसे कहते हैं लालच, वीडियो बनाने पे ध्यान नहीं है इनका, ये ध्यान है कि मैंगो शेक कौन सा ले लिया भाई, मैंने उन्हें क्या पता था गाइस, मैंगो शेक तुलसी कुंतल, मैंने इनका अच्छा व्लॉग नहीं बनाया, मेरे को फोड़ देंगी गाइस, अच्छा नहीं इसने कुछ बनाया ही नहीं, दिखाई है मेरी गर्दन, मेरा सर काट दिया। पेट पूजा करने के बाद योगा स्टार्ट, मैं ना 30 डेज चैलेंज करने वाली हूँ 1 मई से लेके 30 मई तक, और मैं देखूंगी कि मेरे अंदर कितना वेट गेन हुआ, वेट गेन इन द सेंस कि मैं कितनी फिट हुई, जैसे कि ये देखो कुपोषण की शिकार हूँ मैं, देखते हैं मेरे अंदर कितने चेंजेस आते हैं योगा और वर्कआउट करने से और अच्छा खाना खाने से, क्योंकि मैं उस टाइम पर घर ही रहूंगी ना इसीलिए। तो आई एम गोइंग टू डू अ 30 डेज ऑफ चैलेंज।
ये दीक्षा की फेवरेट एक्सरसाइज करके बता रही थी, सिर्फ हैंड्स हैंड की एक्सरसाइज करती हूं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रही है। ये दीक्षा दी अच्छे से बता, जस्ट ये दीक्षा दी अच्छे से बता, हो गई होगा। नहीं मैं तो योगा से ही होगा, अब इसे बंद कर दिया जाए प्लीज बंद। और यहाँ देखो शाम हुई नहीं, वीडियो कॉल शुरू हो जाती है इन लोगों की, और इनकी वजह से फिर मेरे को पढ़ने का भी मन नहीं करता। हाय बोलो सारे लोग, घंटे दी की एनिवर्सरी है गाइस, कुछ कोई बोल ही नहीं रहा। हाय बोलो सब लोग, हाय बोलो। इनका अलग ही चल रहा है, ये लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं इसलिए कट करो, ये बेइज्जती हमसे सहन नहीं होगी। पर देखो क्या बना रही है, डेट वीक एंड देयर विल बी मंथ आई थिंक, यार हो रहे वो अभी बनेंगे मंथ। लेकिन वो सारी चीजें कहाँ हैं आपकी जो आपने कल मुझे दिखाई थी? ये सारा इसका आर्ट का सामान है, इतना शौक है इसे आर्ट करने का बहुत ज्यादा। देखो भाई ये क्या बनाती रहती है, दिस वन, अरे ये राम झूला बनाया है क्या तुमने? देखो देखो एंड दैट ब्लैक वन, देखो ऐसी ऐसी पेंटिंग्स करती रहती है ये, दी ग्रेट राधिका गुंतल, राधिकाज आर्ट। ओ आप क्यों हंसी? मैं बना रही हूँ रोटियाँ क्योंकि मम्मी की तबीयत हो चुकी है आज खराब, तो सोचा मैं खाना बना लूँ आज। देखा मैं कितनी संस्कारी लड़की हूँ, मैं सारा काम करती हूँ घर का, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी। किसी को अपने घर में मेड चाहिए तो कॉन्टेक्ट टू तुलसी को, देखो मेरी गोल गोल रोटी है ना, एकदम परफेक्ट है। मैंने बस फर्क सिर्फ इतना, जब भी मैं काम करती हूँ मेरा पूरा आटा लग जाता है मेरी टी शर्ट पर, जस्ट लुक क्या हालत हो रही है मेरी। इतना काम ही जो करती हूँ गंदे हो जाते हैं कपड़े सारे, ये शो कराता है कि आई एम वेरी डेडिकेटेड गर्ल टुवर्ड्स माई वर्क, राइट राइट। एंगल सही नहीं मिल रहा, राइट हाँ ये एंगल सही है। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत पर क्योंकि मम्मी ऊपर ही, और लाइट के आने के चांसेस थोड़े कम हैं, इसीलिए हम सारे पंखे बंद करके ऊपर जा रहे हैं। अनुराधिका आ जाओ, चलो जब तक मैं चलती हूँ। और गाइस मेरे को ना लॉकडाउन में क्रेज चढ़ा था पेंटिंग करने का, ये पेंटिंग मैंने बनाई थी लॉकडाउन के टाइम में, पता नहीं लॉकडाउन में किस किस चीज़ का क्रेज चढ़ा था मेरे को, स्टिचिंग करने स्टिचिंग सीखने का क्रेज हुआ था कि स्टिचिंग सीखनी तो वो सीखी थी। और ये तो मैंने पूरी दीवार बिगाड़ दी एनिमल ट्री बना के, क्या क्या पागलपंती की है मैंने। ओ मॉमी स्लीपिंग, ओ कितनी अच्छी हवा चल रही है, मम्मी यही सोएंगे आज अगर लाइट नहीं आई तो, ऊपर ही लेटी हुई हैं। अभी अंधेरा हो रहा है, आपको क्या दिखाऊं, सुनसान इलाके में एक कुंतल हाउस दिखेगा ही नहीं कुछ, ये तो गरीबी थी। मॉम क्या हो गया आपको? अब तो मैं सारा काम करके आ गई, मेरे काम पे का मतलब, अब तो ठीक हो जाओ। मम्मी जा रही हो क्या कल नानी के, पैकिंग कर दूं आपकी? देखा मम्मी ठीक हो जाएंगी, मम्मी अंधेरा दिख क्या, लाइट ऑन करो ना एक सेकंड, कुछ नहीं। अब मम्मी ठीक हो जाएंगी, नानी घर जा रही है। और जो हम जो माँ से अलग होंगे कुछ दिन, उसका क्या बताना जरा। मम्मी पर आपके बिना मेरा मन और तुलसी जी तो मुझे पागल कर लेंगी। यार एक सेकंड, ये मेरी बहुत बेइज्जती करती रहती है, तुलसी जी पागल कर लेंगी इधर, और मैं बिल्कुल कितना ख्याल रख रही हूँ, मम्मी बीमार है सारा काम करके आई हूँ नीचे, सुबह भी मम्मी स्कूल जल्दी चली गई थी आज इलेक्शंस की वजह से, तब भी सारा काम मैंने किया था। भाई ये झूठ बोलती है, ये पोछा लगा, कोई नहीं देख रहा आपको इस क्वालिटी में, जिस क्वालिटी में आप बोल रही हैं, कुछ भी लाइटिंग नहीं है यहाँ पे, क्वालिटी डजंट मैटर व्हाट्स मैटर गाइस। ओ माय गॉड, सौ रुपए एक्स्ट्रा दो इस वर्ड्स के लिए, इन वर्ड्स के लिए ये बोल रही, 100 रुपए काटो, मैं कह रही 100 रुपए एक्स्ट्रा दो इन वर्ड्स के लिए। और वहाँ पे हमारे पिताश्री आ चुके हैं वापस, और यहाँ पे देखो ये दोनों कह रहे हैं लोग, बिजनेसमैन का यही हाल होता है,
वो इतने देख रहे हो, वो भी नहीं देख रहा चेयर ठोक के चले जा रहे हैं उसमें। आई 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 पापा से हाय, आती रोटी ऊपर आ जा, रोटी तो बनाई नहीं सही में, मम्मी यू करी खा के आएंगे कहीं ना कहीं। मैंने खाना नहीं खाया, आप मेरे बट का खा लेना, पर सब्जी नहीं है कुछ ही, मैंने तो चीनी सिखाई है। मम्मी जिस दिन मम्मी कुछ काम नहीं करती उसी दिन ये हाल होता है, हमारे राज में तो कुछ नहीं मिले। चलते हैं, चलो पापा को रोटी लेके आते हैं। गाइज अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ फेस पैक, इससे क्या होता है कि आपके जो भी छोटे छोटे पिंपल्स आ रहे होते हैं फेस से वो क्योर होते हैं। इसमें मैंने क्या क्या लिया है, हल्दी, कर्ड और हनी, इन तीनों को मिक्स कर लो अच्छे से और अपने फेस पे अप्लाई कर लो और 15 मिनट तक रखो। इसके बाद इसे साफ पानी से धो लो और वॉश कर लो अच्छे से, या वॉश कर लो गाइज। इससे क्या होगा कि आपके पिंपल्स गायब हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर, और हफ्ते में सिर्फ दो बार अप्लाई करें, ज्यादा टाइम वैसे नहीं है कि रोज अप्लाई करना है, नहीं सिर्फ हफ्ते में दो बार अप्लाई करना है। ये है मेरा नुस्खा इस ग्लोइंग स्किन का। ओके, बोर हो गए गाइस, आगे बढ़ते हैं। इस ग्लोइंग स्किन का और इन पिंपल्स का जो मेरे बहुत ज्यादा होते हैं बाहर का खाना खाने से। हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, मस्त रहो, ये है मेरा आज का ज्ञान। अब बस